सेल्जन बायोटेक इंडिया ग्राम सिहोरा विदिशा से आपको मीडिया प्रिपरेशन के बारे में बता दो। सबसे पहले हम लेजर लेंगे, माइनर लेंगे, ईडीटीए लेंगे, AgNO3 लेंगे, विटामिन लेंगे, एलोसिटोल लेंगे और शुगर ऐड करेंगे। मीडिया प्रिपरेशन के अगली प्रोसेस अपना पीएच है, इसमें हमने मेजर डाल दिया है, माइनर डाल दिया है, विटामिन हार्मोन सब ऐड कर दिया है, शुगर। अब हम पीएच के लिए जाएंगे, 40 लीटर मीडिया के लिए पीएच के लिए सभी चीजें इसमें डाल रहे हैं, इसके बाद हम पीएच करेंगे। पीएच करने के लिए हम एनओएच यूज करेंगे, एनओएच डाल के पीएच चेक करेंगे। अभी हम मीडिया का पीएच करेंगे, हमारा मीडिया कंप्लीट हो गया। पीएच मीटर की सहायता से हम पीएच चेक करें, ये अभी स्टैंड मोड में है। पहले इसको वाटर से क्लीन करेंगे, टिश्यू से क्लीन करने के बाद पीएच मीडिया सॉल्यूशन में डालेंगे और पीएच को ऑन करेंगे। अब हम मीडिया कंप्लीट हो गया, पीएच होने के बाद अगार ऐड करेंगे। अगार इसलिए ऐड करते हैं कि सॉलिडिफाई हो जाए, जिससे कि प्लांट अच्छे से ग्रोथ करे। हम मीडिया प्रिपरेशन के लिए जो वाटर यूज करते हैं वो मिनीक्यूब का यूज करते हैं। ये मिनीक्यूब प्योर वाटर होता है, जिसमें कि मिनरल्स और कुछ नहीं होता, जिससे कि प्लांट ग्रोथ अच्छा करता है और कंटामिनेशन कम आता है। और स्कैल्पिंग को स्टरलाइज करने के लिए डिपिंग करेंगे। मीडिया प्रिपेयर हो गया, अब हम इससे पोरिंग करेंगे। हम प्रत्येक बोतल में 30 ml मीडिया लेते हैं, जो कि इस डिस्पेंसर के द्वारा पोरिंग होता है। यहाँ से मीडिया शॉप करता है और यहाँ ड्रिंक करता है, और ये मीडिया प्रत्येक बोतल में 30 ml लेता है। हमारा मीडिया प्रिपेयर हो गया है, अब इसको स्टरलाइज करने के लिए ऑटोक्लेव में रखें। इसके साथ हम इंस्ट्रूमेंट भी लगा रहे हैं, 5G है, जो स्टरलाइज करने के लिए मस्त है। इसमें हमारा मीडिया स्टरलाइज होता है 121 टेम्परेचर और 20 मिनट के लिए स्टरलाइज करते हैं। मीडिया स्टरलाइज होने के बाद इस पास बॉक्स के द्वारा अंदर जाता है, ये यूवी पास बॉक्स है। इस पास बॉक्स में हम मीडिया रखते हैं और अंदर चला जाता है मीडिया स्टोरेज।